Hello, good evening my friends. I am Naval and you are watching Manav channel. आज हम आपको future indefinite और future continuous का passive voice किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। लेकिन बताने से पहले आपसे एक request है, जिन्होंने मेरा channel subscribe नहीं किया है please वो मेरा channel subscribe कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए धन्यवाद। तो आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं इसके विषय में बताऊंगा। तो आपको इसे बड़ी ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले लगाना है आपको ऑब्जेक्ट विल या शैल, बी मे और के साथ फॉर्म बाय सब्जेक्ट अदर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसका अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं ऑब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए, जैसे दे विल डू दिस वर्क, दे विल डू दिस वर्क, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव में बनाएंगे तो उसके साथ बी लगाते हैं, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट पहले आएगा, विल बी डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, बाय दे का क्या होगा डन। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है फिर विल बी, यदि वाक्य में आई और बी दिया जाए तो आपको शैल बी लगाना है, अगर वाक्य में आई और बी नहीं दिया जाएगा तो आपको विल भी लगाना है, और यहाँ पर आई और बी दिया नहीं है इसलिए क्या लगा दिया, यहाँ पर विल भी लगा दिया। अब डू की तरफ क्या होगी डन, बाय दे का क्या होता है डन। क्लियर? यदि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो नेगेटिव वाक्य होता है उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, तो सबसे पहले आपको लगाना है ऑब्जेक्ट उसका विल नॉट या शैल नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्या बताया था मैंने आपको ऑब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसका बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे यू विल नॉट teach हिंदी, तो पहले हिंदी आएगा, तो हिंदी will not be teach क्या होती है taught by you का object नहीं। तो सबसे पहले आपको object लगाना है, यदि I will be आएगा तो shall भी लगाना, और I will be नहीं आएगा तो will लगाएंगे, तो यहाँ पर I will be दिया नहीं है will not be, negative not लगाते हैं, teach के अंदर taught होती है by you का you रहता है। clear? यदि आपको future indefinite tense का interrogative का passive voice बनाना है तो सबसे पहले आपको बनाना है will या shall, object the main verb की third form by subject or other word। क्या बताया था पहले will या shall, object the main verb की third form by subject or other word। जैसे देखिए, देखा विल यू कंप्लीट, विल यू कंप्लीट वर्क, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है आई भी आता तो सेल भी लगा, सेल लगा था आई भी नहीं आता फिर लगा के, तो पहले वर्क इधर आएगा, अब यहाँ वर्क में आई भी तो दिया नहीं है, तब आई भी नहीं दिया तो आपको क्या लगाना है विल लगाना है, क्या लगाना है विल, तो यहाँ पे क्या आएगा विल आएगा, विल लगा लिया, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कौन कराना है वी, कंप्लीट थर्ड फॉर्म क्या होगी कंप्लीटेड बाय और यू का ऑब्जेक्ट में यू रहता है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस बनाए तो आपको विल लगाना है ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाय यू का ऑब्जेक्ट में यू रहता है। क्लियर? यदि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे और उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको विल या शैल लगाना है, उसका लगाना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का लगाना है नॉट, और नॉट का लगाना है बी, और बी का लगाना है थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड।
देखिए पहले बेटा सेल ऑब्जेक्ट नॉट बी मेन विद थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट अदर वन। जैसे देखो विल सी नॉट मेक फूड, विल सी नॉट मेक फूड, तो सबसे पहले क्या लगाना आपको आयर भी आएगा सेल लाना आयर भी नहीं आएगा तो विल लगाना है। तो पहले आएगा विल फूड ऑब्जेक्ट का क्या लगाना है नॉट लिखा है ऑब्जेक्ट का क्या लगाते हैं नॉट और नॉट का क्या लगाएंगे बी लिखा है। अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेड बाय। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा हर। तो सबसे पहले आपको बेटा सेल लगाना है ऑब्जेक्ट नॉट बी मेन वाइज थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट क्लियर। यदि आपको फीचर इंटरव्यू टेंस का क्वेश्चन मार्क का पैसिव वर्ब करना हो तो आपको पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है फिर बेटा सेल ऑब्जेक्ट बी मेन वाइज थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड। सबसे पहले क्या बताना है आपको क्वेश्चन मार्क आएगा फिर बेटा सेल ऑब्जेक्ट बी मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे देखिए व्हाई विल यू बीट मी, व्हाई विल यू बीट मी, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क रहेगा व्हाई का व्हाई रहेगा। अब मी का क्या होगा आई और आई साथ में क्या लगाते हैं सेल। अभी आपको बताया था मैंने जब आई दिया जाएगा तो आपको उसके साथ में क्या लगाना है सेल। Why सेल I ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है बी थर्ड फॉर्म बीटेन बाय यू। तो सबसे पहले आपको लगाना क्वेश्चन मार्क फिर बेटा सेल ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगाना है बी उसका लगाना थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट क्लियर। अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन मार्क टू नेगेटिव का पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाना होगा फिर बेटा सेल फॉर ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग सॉरी बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर। देखिए लगा बाय विल दे Not chew leaves. Why will they not chew leaves? Chew is चबाना, leaves is पत्तियाँ। I A B आता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का मतलब देखते नहीं हैं। Only I A B आता है, चला गाना और I A B नहीं आया तो will लगाना है। तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर करना है, why का why रहेगा। अब leaves is पत्तियाँ, I A B जब दिया नहीं तो क्या लाएंगे? Will लाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट आएगा लीव्स लीव्स आ गया आई ए की दिया नहीं इसलिए लगा दिया उसका क्या लगाएंगे नॉट नॉट का क्या लगाना आपको भी लगाना। अब चीव की जरूरत क्या होगी चीव बाय देख ऑब्जेक्ट में व्हाई विल लीव नॉट बी चीव बाय देम पहले क्वेश्चन मार्क फिर पेन या सेल या ऑब्जेक्ट नॉट बी मेन विद थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट क्लियर। मैंने भी आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस किस रूप में होता है अफर्मेटिव होता है नेगेटिव होता है इंटरोगेटिव होता है इंटरोगेटिव टू नेगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क में होता है और क्वेश्चन टू नेगेटिव होता है। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और उसका सेंटेंस आपको नो चेंज लिखना है। जैसे देखिए राम विल बी ईटिंग मील राम विल बी ईटिंग मील राम भोजन खा रहा होगा राम विल बी ईटिंग मील राम भोजन खा रहा होगा। जिन वाक्यों में कंटिन्यूअस फॉर्म दिए जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म दिए जाए उनका पैसिव वॉइस आपको नहीं बनाना है उनका वाक्य आपको लिखना है नो चेंज। क्या लिखना है नो चेंज। जैसे राम विल बी ईटिंग फूड उसके बाद आपको क्या लेना है नो चेंज। तो राम विल बी आई और विल बी जिन वाक्य में विल बी और शैल बी प्लस आई एन जी दिया जाए उनका वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं बनता तो आपको क्या लिखना है नो चेंज एन फॉर नो और सी फॉर चेंज नो चेंज क्लियर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसके साथ साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।